पार्टी से आ रही हूँ। क्यों आ रही है ये भी बता दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए। आप मेरी कांग्रेस के प्रति आस्था है। देखिए, मेरे पिताजी ने मेरा नाम शीला रखा था, मेरे ससुर जी ने मेरे पति का नाम जवाहरलाल त्यागी रखा है, और मैंने अपनी बेटी का नाम शैलजा रखा है। और सबसे बड़ी बात है, देश में इस समय जो हालात हैं कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो है खतरे में, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और ये सब मैं इन सब समस्याओं से उबार सिर्फ कांग्रेस सकती है। और हमारे मुखिया कमलनाथ जी हैं, इनके नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो भी है प्रदेश का जो भी समस्याएं हैं, और भी बहुत सारी जो ताकतें हैं, जो फिरका परस्ती लोग हैं, जो देश को पूरी तरह से कंगाल करने में और बर्बाद करने में लगे हैं, उनको आपके नेतृत्व से जरूर उभरने का मौका मिलेगा। और रही बात, तो आप हमारी मुखिया हैं, जो मुझे आदेश करेंगे, मैं अब आपका 40 साल का अनुभव है, पॉलिटिकल सेंटर में भी हैं, स्टेट में भी हैं, मैं तो कोई पॉलिटिकल घराने से तो हूँ नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा से जुड़ी थी, और मैंने इसी वजह से वहाँ काम किया था। मैं मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब संभव वहाँ नहीं है, इसलिए मैं आदरणीय कमलनाथ जी के माध्यम से मैं आज कांग्रेस ज्वाइन करूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।